पुणे महाराष्ट्र का लोक संख्या अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इस जिले में मौजूद हैं। एजुकेशन हब, आईटी हब तथा रहन सहन के लिए उत्तम व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं लेकर ये जिला शीघ्र गति से विकसित हो रहा है। जिले की दिन ब दिन बढ़ती आबादी सड़क परिवहन के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनौती दे रही है। ऐसे में सड़क निर्माण के नई परियोजनाओं की बेहद जरूरत थी। जैसे हम सब जानते हैं, देश में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात निकलती है तब एक ही नाम नजर के सामने आता है, वह है आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। पुणे जिले में सड़क निर्माण में भी उन्होंने अपने इसी आउट ऑफ द बॉक्स काम करने के तरीके का परिचय दिया। आज इनमें से काफी सारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ प्रगति पथ पर हैं तथा कईयों की शुरुआत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं लोक निर्माण विभाग PWD के प्रयास से किए गए राष्ट्रीय महामार्ग 548D के शिक्रापुर नावरा सेक्शन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। EPC तत्व पर किए गए 46.46 करोड़ रुपए लागत मूल्य के और 28 किलोमीटर लंबी इस सड़क निर्माण के कार्य से शिक्रापुर और नावरा, इन दोनों MIDC तथा अहमदनगर और मराठवाड़ा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राष्ट्रीय महामार्ग 548D के नावरा से आंदल गांव सेक्शन का पुनर्निर्माण का कार्य भी पूर्णता के कगार पर है। इसकी लंबाई 48.45 किलोमीटर है। 311.86 करोड़ रुपए लागत मूल्य के इस सड़क पुनर्निर्माण कार्य से पुणे और नासिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये कार्य भी EPC तत्व पर संपन्न हो रहा है। राष्ट्रीय महामार्ग 548D के कातरज जंक्शन पर EPC तत्व तहत 1.326 किलोमीटर लंबे तथा 169 करोड़ रुपए लागत मूल्य के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य एवं राष्ट्रीय महामार्ग 753F के 39 किलोमीटर लंबे बेलहे शिरूर सेक्शन पर EPC तत्व तहत 27.03 करोड़ रुपए लागत राशि के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। पुणे, नासिक और शिरडी भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जहां लाखों भक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महाराष्ट्र के ये तीन शहर NH-60 से जुड़े हुए हैं। ये राजमार्ग मुंबई, पुणे और नासिक शहरों के बीच एक त्रिकोणीय सड़क नेटवर्क बनाता है, क्योंकि ये नासिक में NH-3 आगरा मुंबई राजमार्ग और पुणे में NH-4 मुंबई बैंगलोर राजमार्ग को जोड़ता है। इसके महत्व को समझते हुए माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने NH-60 के इस बॉटलनेक सेक्शन को अपग्रेड और मजबूत करने की अवधारणा की। आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इंद्रायणी नदी से खेड़खंड 18 किलोमीटर सेक्शन पर 1,269 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन से 6 लेन का चौड़ीकरण कार्य इस खंड में होगा। 7 वाहन अंडरपास, दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ 2 वाहन ओवरपास, 2 एलिवेटेड रोड स्ट्रक्चर, पहला कुरली गांव लंबाई 690 मीटर तथा दूसरा चाकण जिसकी लंबाई 2.25 किलोमीटर होगी, और 4 छोटे पुल। इससे ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक जैम में कमी आएगी, यातायात क्षमता में वृद्धि होगी और सवारी की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार और वाणिज्य में सुधार होगा और कृषि, परिवहन और तीर्थ पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आज राष्ट्र को समर्पित की जा रही परियोजना है 9.32 किलोमीटर लंबी 285 करोड़ रुपए की लागत से बनी खेड़ घाट पुनर्रचना और नारायण गांव बाईपास का शेष कार्य EPC मोड पर बनाया गया है। इसी के साथ कई और नई योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। 1. राष्ट्रीय महामार्ग 753F पर पुणे से शिरूर सेक्शन में द्विस्तरीय एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण और राष्ट्रीय महामार्ग 548D पर चाकण शिक्रापुर सेक्शन के 4 लेन का चौड़ीकरण। BOT तत्व पर होने वाले इस काम से पुणे नगर रोड पर ट्रैफिक जैम की त्रासदी से छुटकारा मिलेगा। तलेगांव चाकन और शिक्रापुर की MIDC पुराने मुंबई पुणे हाईवे से जुड़ जाएगी। इस योजना का लागत मूल्य 1,015 करोड़ रुपयों का है। 3.
राष्ट्रीय महामार्ग 965 DD के शिंदेवाड़ी फाटा वरांडा इस 59 किलोमीटर लंबाई सेक्शन का पुनर्वास एवं उन्नयन। EPC तत्व पर होने वाली इस योजना का लागत मूल्य 310 करोड़ रुपए है। इस कार्य से पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर, सातारा जिले की रायगढ़ जिले से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 4. राष्ट्रीय महामार्ग 160 पर उंडवाड़ी कड़े पठार से बारामती फल्टन सेक्शन के 4 लेन का चौड़ीकरण होने जा रहा है। 365 करोड़ रुपयों के बजट की ये योजना EPC तत्व पर होगी। 33.75 किलोमीटर लंबाई के इस कार्य के पूरे होने से पुणे, सातारा और नगर इन तीनों जिलों की आपसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा बारामती और फल्टन के इंडस्ट्रियल जोन भी आपस में जुड़े रहेंगे। 5. राष्ट्रीय महामार्ग 548 DG के न्हावरा चौफुला इस 25 किलोमीटर लंबाई सेक्शन का पुनर्वास एवं उन्नयन होगा। EPC तत्व पर होने वाली इस योजना का लागत मूल्य 220 करोड़ रुपए है। इस कार्य से शिक्रापुर न्हावरा का औद्योगिक क्षेत्र पुणे सोलापुर रोड से जुड़ जाएगा। इन 5 परियोजनाओं की कुल निवेश राशि 9443 करोड़ रुपए की है। केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से भी पुणे जिले के लिए काफी सारी परियोजनाएं चलाई गई। पुणे जिले में केंद्रीय मार्ग निधि तहत 17 सड़क परियोजनाएं जल्द ही शुरू होने जा रही हैं, जिनकी लंबाई 116 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 134 करोड़ रुपए है। आज जिले के राजनैतिक सामाजिक महानुभावों के उपस्थिति में हम सबके चहेते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा पूर्ण हुई सारी परियोजनाओं का राष्ट्र व पुणे जिले के नागरिकों के प्रति समर्पण तथा निर्देशित योजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है। ये सारी परियोजनाएं पुणे जिले के आर्थिक विकास में मददगार साबित होंगी और छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का महत्वपूर्ण साधन बनेंगी। ये गांवों को बाजारों, कस्बों, प्रशासनिक व सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़कर उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करेगी। भारत के सुगम और तेज विकास के लिए ऐसे परिवहन योजनाओं की जरूरत है। बेहतर बुनियादी संरचना उद्योग और रोजगार तो लाता ही है, इसके साथ ही ये क्षेत्र के कृषि एवं अन्य उपज के मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अविश्रांत प्रयास द्वारा मिला इन बुनियादी संरचना का ये उपहार देश के विकास कार्य को गति दिलाएगा और पुणे जिले के स्थानीय जनता के चेहरे पर खुशी की प्रसन्न मुस्कुराहट लाएगा।